आज चलकुशा प्रखंड के बगल में आप जो इस बैठक कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि कल हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का आगमन हजारीबाग में हो रहा है, उसी को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं कि कल कार्यक्रम जो हो रहा है उसको हम सफल बनाएं। और हम लोगों ने ये तय किया है कि यहाँ से हम लोग फोर व्हीलर से नहीं बल्कि 60-70 मोटरसाइकिल से हम लोग यहाँ से जाएंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप लोग चलकुशा प्रखंड के बारे में मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो क्या लेकर के, क्या यहाँ के क्या समस्या को लेकर के या किस बात को लेकर के मुख्यमंत्री के पास आप लोग जाएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप इस प्रखंड की आवाज़ को बुलंद करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। आपके प्रखंड में अनेक समस्याएं हैं। जब हम लोग प्रखंड आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि इस प्रखंड में परेशानियों के सिवा और कुछ नहीं है। चाहे वो मोटेशन का मामला हो, मोटेशन में भी अच्छा खासा माल लिया जा रहा है, और चाहे वो पेंशन का मामला हो, पेंशन में भी पैसे की डिमांड हो रही है, चाहे रसीद कटाने की बात हो, चाहे थाने की बात हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। और हम लोगों ने आज मौखिक रूप से रजिस्टर में भी हम लोगों ने लिखा है और ये तय किया है कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन हम लोग सौंपेंगे जो हमारे चलकुशा प्रखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा, उस भ्रष्टाचार से यहाँ के लोगों को मुक्त करें। यही आवेदन कल हम लोग लेकर के जाएंगे और इस विषय पे हम लोग बैठ करके भी उनसे बात करेंगे और आवेदन भी सौंपेंगे। शिक्षा के मामले में क्या कहें, शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो जी से मिले थे और यहाँ के शिक्षा के बारे में हम लोगों ने बताया था और कल भी वो उपस्थित रहेंगे। इस मुद्दा पर भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ के जो टीचर हैं, बीओ हैं, सबको आप बढ़िया से समझा दें ताकि यहाँ बढ़िया से वो पढ़ाएं, बढ़िया से लोगों को शिक्षा दें, बच्चों को बढ़िया से जागरूकता दिखाएं। और नहीं दिखाएंगे तो मैं कहता हूँ कि कल मैं शिक्षा मंत्री से इस बात को मैं रखूँगा, जो टीचर लापरवाही बरतेंगे वो टीचर उस स्कूल में रहने के लायक नहीं है, उनको बर्खास्त किया जाए या दूसरी जगह भेजा जाए। इस मुद्दे पर भी हम लोग बात करेंगे। एक और समस्या, यहाँ बिजली की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिजली के बारे में भी समस्या है, हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था आप भी जान रहे हैं कि हम लोगों का जो बिजली चल रहा है बरही से चल रहा है और बरही से यहाँ की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर होता है। जब तक हम लोगों का जो ये कनेक्शन हुआ है अभी 33,000 का कोडरमा से जो ज्वाइंट किया जा रहा है, मैं यहाँ के विधायक से भी कहना चाहूँगा, यहाँ के जिला परिषद सदस्य से भी मैं कहना चाहूँगा, यहाँ के मुखिया से भी कहना चाहूँगा कि इसमें लग करके और एनओसी लेकर के जितना जल्दी हो सके पेड़ कटवा करके यहाँ की बिजली चालू करें, तभी यहाँ की समस्या दूर होगी बिजली की, नहीं तो हम लोग किसी तरह से परेशान होते रहेंगे। इस मुद्दा पर हमने एसी से भी बात किया था, एसडीओ से भी बात किया था, उन लोगों ने भी यही बात कहा कि जब तक आप लोगों का 33,000 वहाँ से चालू नहीं होगा आप लोगों का ये समस्या नहीं जाएगा। और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, आज तक फॉरेस्ट विभाग से एनओसी लेने का काम नहीं किए हैं। हम तो कहते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक से कि आपको लग करके और फॉरेस्ट विभाग का जो समस्या है एनओसी का, उसको तत्काल आप हल करें। हम लोगों ने आपको वोट देकर के जिताया है, आपका ये अधिकार बनता है, क्षेत्र की जो समस्या है उसको दूर करें जितना जल्दी हो सके। मैं इनसे आग्रह करूँगा कि ये एनओसी लेने का काम करें। चलिए, धन्यवाद।